शहीद भगत सिंह नगर पुलिस वालों इस साल नशे तस्करा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 258 केस रजिस्टर किए गए ने, 313 जो है अक्यूज अरेस्ट किए गए। टोटल रिकवरी की गल करिए तो हेरोइन 4 kg 284 ग्राम, ओपीएम 47 किलो, पॉपी हस्क 349 किलो, चरस 350 ग्राम, नशीला पाउडर 100 ग्राम, इंजेक्शन 189, पिल्स के कैप्सूल 15,423, सिरप की जो बोतल हैगी 7, ड्रग मनी 12,24,000, 9 पिस्टल बरामद किए गए ने, कार्ट्रिज 272 बरामद हुए ने, 4 मैगजीन बरामद हुई। तो इस पूरे साल च काफ़ी प्रोएक्टिवली इस फ्रंट पे काम किया गया है, तो सारे जो ऑफिसर्स हैगे इस च काफ़ी परसनल लेवल पर डे टू डे बेस से इन्हें सुपरवाइज करते हैं। तो इस दे नाल नाल अगर डेटरेंस इफेक्ट की गल करिए तो डिस्ट्रिक्ट वालों इस साल 2023 6 समगलर की प्रॉपर्टी जो है फ्रीज कराई गई है, जिसकी वैल्यू लगभग 1,01,76,92,000 रुपये बनती है। सर, साल तो शुरू किया है प्रॉपर्टी अटैचमेंट? ये प्रॉपर्टी अटैचमेंट की जो कानूनी प्रक्रिया तो पिछले लगभग 5-6 साल तो चल रही है, तो लगभग 80 समगलर के अगेंस्ट एक्शन इसते लिंक किया गया है, तो टोटल 18,48,27,000 की वैल्यू की प्रॉपर्टी जी जो है अटैचमेंट की गई है, जो सीजर की गई। आने वाले टाइम होर भी सर कार्रवाई हो सकती है? देखो, नशे के खिलाफ बिल्कुल मुहिम जारी हैगी है, तो जो मानयोग CM साहब वालों DGP साहब वालों जो डायरेक्शनस हैगी है उन्होंने डे टू डे बेस से मोनीटर किया जा रहा है, तो सारे ऑफिसर जो है अपने अपने एरिया ऑफ रिस्पोंसिबिलिटी से इसमें डेली बेसिस एक्शन प्लान बनाते हैं, उसका प्रॉपर फॉलोअप लेंगे, तो ये मुहिम जारी रहेगी। सर, जिले दियाँ हदां ते नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए की किया जा रहा है? ये देखो, जिले की अगर पर्टिकुलर स्पॉट्स की गल करिए तो कुछ 10 के करीब हॉटस्पॉट्स जो आइडेंटिफाई किए हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने, जिथे इनपुट्स से फीडबैक मिली हैगी कि इतने थोड़ा नशे की एक्टिविटी हैगी है, तो उसते आप डे टू डे बेस से उन्होंने फॉलोअप करा रहे हैं, जो पब्लिक की फीडबैक हैगी उससे एक्शन ले रहे हैं। तो दोनों डिस्ट्रिक्ट जो एंट्री पॉइंट्स है खासकर हाईवे के, उत्थे प्रॉपर चैकिंग की जाती है, जो भी कोई शक्की बंदा कोई दिखता है, कोई व्हीकल से कोई लगता है, अगर कोई एक्टिविटी हो सकती है तो उन्हें पूरा इंटरसैप्ट करके चैक किया जाता है। सर, लगता कोई गैंगस्टरवाद जो सिर चुकता तो नहीं नज़र आता जिले के? देखो, पिछले जो 2 केसिस वैपन तो ड्रग्स की जो रिकवरी हुई है उस इन्वॉल्वमेंट जितनी पाई गई उस काफ़ी अरेस्ट भी हुई है, काफ़ी गल सामने आई है, बट पुलिस ने काफ़ी कंट्रोल किया है इस चीज़ के बारे कि कोई भी एक्टिविटी बंदा इन्वॉल्व पाया जाता तो नाल दे नाल उस एक्शन हो गया। तो साढ़े जिले के जो DSP इंटेलीजेंस हैगे ने लखवीर सिंह जी, वो इसनों जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट वाली जो हैगी मुहिम इसनों डे टू डे बेस से फॉलो करते, तो इसनों पर्टिकुलर एरिया वाइज भी थोड़ा देखते हैं कि अगे केड़े केड़े बंदे इन्वॉल्व है। नशा तस्कर जो गैंगस्टरवाद नत्थ पाने जिला वासियों को की उम्मीद रखते हो? देखो, मैं लोगों को माध्यम से यही अपील करा तो ये रिक्वेस्ट करा कि उन्होंने कोई भी शक्की बंदे शक्की कोई भी एक्टिविटी लगती है तो बेफिक्र होकर 112 से दस सकते हैं, कंट्रोल रूम से दस सकते हैं, ऑफिसर के इंडिविजुअल परसनल नंबर भी पब्लिक स्पेस से है उत्थे भी दस सकते, व्हाट्सएप पर भी उन्होंने सुविधा हैगी है कि कोई भी पिन पॉइंटेड स्पेसिफिक क्रेडिबल इनपुट हैगी है इस बारे तो वो दस सकते।